मेरी वाह है साइकिल एटलस की रत रखटक थी लंबी कारा की। आज तुमसे चांद पे जा बैठी तू कदर भूल गई यार की। आज तुमसे चांद पे जा बैठी तू कदर भूल गई यार की। जैसे कि आपने पता है राजू पंजाबी जी जो एक महान कलाकार थे अपने हरियाणवी रिसिस के, वो आज अपने बीच नहीं रहे। वो है जो अलविदा कह गए अपने चाहने वाले को, अपने परिवार वाले को, पांच तत्वों में जो विलीन हो गए हैं। तो आपका क्या लगा कि क्या प्रेम प्यार था, आप किस तरह मिले थे, कैसा नेचर था? वैसे तो सबने पता है नेचर उसका बढ़िया, लेकिन आप बिल्कुल करीब रहे हो उनका, तो कुछ बताओगे, कुछ खाटे मीठे यादें हो आपके उनके साथ? भाई मैं तो 2 साल का जाना भाई मैं, और दोस्ती बात तो करो यार, भाई मान नहीं करता समा नो यार दा भाई तेर मेरा ऑफिस के खातर को दी कर 24 घंटे, कोई टेंशन की बात नहीं। तो भाई आप अपने पता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ, तो मेरा तो लगभग आना जाना उसके लिए वही करता मैं समझ ले महीना मैं 4-5 बार तो आप उसका पक्का मिले करते। बहुत बढ़िया आदमी था यार। अगर नुकसान की बात बताऊँ तो हरियाणा इंडस्ट्री ने एक बहुत बढ़िया कलाकार खो दिया, जो कि दोबारा कदे नहीं आवेगा, कदे भी को नहीं आवे इस तरह। राजू पंजाबी दूसरा कोई बना नहीं था भाई, वो इतना वो था नहीं, मतलब वो कहीं नहीं करा भी एक्टीट्यूड हो बंदा में 1% भी कौन था, चाहे कोई भी जो छाती का लाया होगा। और भाई मेरी तो एक रोटी में खाना खाऊंगा, एक थाली में खाना होगा तुम्हारा, बहुत बढ़िया बंदा था। अच्छा आपने किस टाइम पता चला जिस दिन राजू जी होगा? भाई मैं सवेरे रेडी होया, उस टाइम राजू भाई साहब की डेथ हुई, तो मैं रेडी हो गया, मैं नरवाना के लिए निकलने वाला था। मैंने बस पहली बूट बढ़ी चाह कि मेरे लो भाई साहब का फोन आया मनदीप का, मैं कहा सर नहीं बात होगी, तो विश्वास नहीं होया। मैं बोला मैं क्यों मजाक कर रहा यार, सवेरे सवेरे लो चाह भी नहीं पी, मैंने फ़ोन काट दिया। तो दोबारा फिर फोन आया उसका, मैंने कहा सन्नी यार इस बात पे सीरियस हो जाए थोड़ा, मैं कहा मजाक नहीं करता सवेरे सवेरे, मैं क्यों होया, मैं कहा राजू पंजाबी बात हो, मैं कि नहीं उकर है, मैंने कहा तने बेला करी तो नहीं लगा, उस बात का मैंने पता है। भाई साहब मिलने भी गए थे उसका, तो मिलने गए भाई, भाई राम भाई गल बढ़िया तरीका था, बोलिया है शाह भी ठीक है, तो बोलिया मैं नहीं बात होगी, माँ भाई साहब फिर काम करो भी जल्दी आओ भी, माँ मैं आ गया, मैं कहा तो काम कर सीधा हिसार पहुँच गए। तो भाई मैं हिसार पहुँचा, हिसार जाकर पता लगा तो उसकी ले गए थे, तो मैंने किया दोस्त की गाड़ी ली, भाई साहब आए तो मैंने गाड़ी सीधी हिसार उसने ले गई घर बने। तो भाई जिस टाइम हम पहुँचे उड़ा है तो भाई साहब की मतलब गत है अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी थी, तो मैंने वापस गाड़ी घुमाई, तो घर आ गए उड़ गए शमशान घाट, थोड़ा दूर मैं पहुँच गया था मेरा, तो भाई का लास्ट का दर्शन हो गया। अच्छा कुछ खाटी मीठी भी यादें होगी आपकी राजू भाई जी के साथ? भाई खाटी मीठी यादें एक को नहीं भाई कई हैं, कोई शेयर करना था कोई सा मेरा किस्सा आपका? मेरा भी जन्मदिन था भाई, 5वें महीने की 2 तारीख ना मेरा जन्मदिन था भाई, इतना इंजॉय करा नहीं भाई गल कोई वो नहीं भाई, तो मनु कह करता सन्नी यार तू भाई है मेरा, मतलब यार इतना प्यार, इतना बड़ी आदमी मैंने कहीं नहीं देखा आज तक भाई, ऐसा इंसान ज़िंदगी में दोबारा आएगा नहीं कभी, मतलब हरियाणा इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ये, जो हरियाणा की अपनी इंडस्ट्री ना उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ये, और ऐसा कलाकार आएगा भी नहीं दोबारा। बाकी भाई दिल से एक बात बोल रहा हूँ मैं, मतलब जो अपने खास भाई हैं जैला भाई है, केडी भाई बहुत करीब था, विनू सर ठीक है, और भाई ये पी के राजली अपने ऑफिस में रहते थे, सोनू गानपुरिया भाई सारे देखो बात को मैं तो हौसला रखो भाई, तम तो उसका लगा रहेगा मैं तो एक आधी बार मिल जाऊँगा, मतलब भाई ने 2 साल तो भी जाना और तम तो मेरे तक पहला जाना उसकी तम भी भाई, मैंने देखा भाई केडी भाई जमोड़ा हालत खराब हो रही थी, तो भाई मैं देख के बात को लग ले हौसला राख, इब जो होना था भाई वो गया, आप बदल नहीं सकते, पर इब तो नहीं हुआ भाई सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि भाई भाई जो मजा तो घना प्यारा था। अच्छा कोई आपकी कोई ऐसी मुलाकात, कोई ऐसा कोई आपकी खट्टी मीठी याद हो राजू? खट्टी मीठी याद देश बिना के भाई, कोई ऐसा किस्सा हो आपकी लाइफ धनुआ की लाइफ का जो आप साझा करना चाहते हो? बस एक बार बोलिया मतलब कि मामा एंड्रो फिल्म जा रहे थे, तो बोले मैं सन्नी के कर रहे हम कुछ भाई साहब, मैं तुम मेरे लिए रेस मार, हाँ भाई साहब देखो मैं रेस नहीं मारता, मैं तो मुक्के मार सो कितने मरवा लो, मैं भाई बॉक्सर हूँ, तो बोलिया मैं तो मुक्के मार लिए, मैं उनका रेस मार मेरे भाई साहब मैं रेस लागे 1% भी ठीक है, मैं तुम मेरे लगू मर सर भाई साहब मैं नहीं जानता, मैं तो मैं मुक्के मार सकूँ लेकिन आप कड़ियाँ को नहीं जानते, बहुत मजाक किया था यार
जी उन्हें बस याद रहेगी भाई की। कई वीडियो भी देखी है मैं मनाक की यारी वगैरह, कई मजाकिया सी बना रखी है भाई, कई हैं एक कौन कई हैं मजाकिया स्वभाव वाला था। हां भाई गणा मस्त यार, अगर कह दिया नहीं भाई साहब फोटो लेनी, हां भाई ले है कह कहने की लोड़े कोनी। एक दिन मैं तो बोला मतलब शाम का टाइम था तो आप उसको ऑफिस में थे तो उन्होंने बोला भाई साहब एक फोटो लेनी है यार कमाल है बॉक्सर लोग, तो मैं कहना पड़ेगा फिर तो यार वो है हाँ यार मुझे भाई है तू मेरा भाई बैठे उन्होंने फोटो भी ली भाई यादगार में फोटो मेरी फोन में दिखा किसी को अपना मैं मेरा फोन थी। अच्छा आप तो उसका कलर साथ दे रहे हो भाई साहब, तो कई बार ज़्यादा बड़े कलाकार जो उनका मैम भी होते हैं तो आपने किसी एंगल से बोला क्या ना भाई? वो ही बात आ गई ना भाई कमेंट की बात आ गई, कमेंट भाई 1% भी कौन था 1% भी नहीं समझे था भी मैं देसी आदमी हूँ जमा प्योर देसी। अच्छा कहीं ना कहीं आपका फेस भी और आपकी जो कद काठी है राजू पंजाबी भाई की जैसी ही लग रही है, कोई ऐसा वाक्य भी था कि कई आने लोग गन्नू कट्ठे साथ ले होता मैं राजू पंजाबी का हम जगह लाया यार नहीं तो बतेरे गए करते ही मतलब सारी आने मुश्किल हो गई था। मेरा गांव में तो कई कॉमेंट आए मेरे यार दोस्तों के तो बॉडी गार्ड उसका माँ भाई साहब देखो मैं उसके लिए फ्रेंडली तौर पर जाऊँ और वो मेरा कौन खास मित्र है। मिलन कैसे हुआ था आप दोनों का? मिलन भाई मेरा मतलब फर्स्ट टाइम मिले थे मामा केडी भाई का ब्याह में। अच्छा। केडी भाई का जो छोटा भाई है ना उसका ब्याह था। अच्छा। उसकी शादी में गए थे मामा तो उड़े मिलन मुलाकात हुई थी मेरी फर्स्ट टाइम। अच्छा। उस टाइम भाई गए लगन तो फोटो ली मां सर जी मेरा बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूँ तो बोले उनका भाई कोई दिक्कत नहीं मेरा ऑफिस है हिसार में जब मर्जी आप कोई टेंशन नहीं देना तो मैंने अपना बारे में बताया था मैं आज मैं बॉक्सिंग खेले करूँ उस टाइम में भी भाई बॉक्सिंग लाइन में लेने आया था। तो फिर उसके बाद मेरा कहीं मतलब मेरा मुंबई चला गया मैं मुंबई मेरा कॉम्पिटिशन था वहाँ पे मुंबई में 1.5-2 साल रहा तो उसके बाद आया ना तो आते ही मतलब लॉकडाउन ख़त्म होते ही मैं उसके पास गया था तो बोला कि हाँ भाई मतलब उसने तुरंत पहचान लिया मेरे को बंदा बोला कि भाई मेरे को पता है तू मेरे को मिला था मैंने फोटो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी मैंने कहा मेरे भाई मैंने पहचान लिया तेरे को तो केडी भाई के छोटे भाई शादी में आता और ओड़ा अपने फोटो भी ली थी मसर वहीं मगर बैठ फिर भाई नचा प्याई भाई आधा पौना घंटा टाइम स्पेंड किया हमने तो ऐसा कुछ नहीं था। कई बंदो इस तरह मैंने 5 मिनट मिले कहता भाई मेरा कुछ काम है नहीं भाई बंदा जमा इतना खुला दिल का था कि उस जैसा बंदा मैंने कोई देखे नहीं मतलब यार हरियाणा का इतना बड़ा कलाकार हो गया और किसी नॉर्मल बंदे का कहता भाई साहब फोटो ले आज यार ले ले तू फोटो भाई यार तू मेरा मतलब इन्होंने तो है कौन था भी मैंने मिलन आया तो क्या नाम हुआ नहीं जानते शहर पहले तो होता भाई चाह पाओ भाई यार फोटो बाद में ले फोटो तुम दी रहेगी। अच्छा आपकी लास्ट मुलाकात या लास्ट बात कद हुई फिर के हुई भाई? लास्ट बात तो मतलब मेरा बर्थडे पर आया था उसके बाद मैं 2-3 बार गया मतलब भाई हरिद्वार की तरफ निकल गया था फिर हरिद्वार से आने के बाद तो मेरी एक ही बार मुलाकात हुई थी उसकी तो उसके बाद तो पता चला कि हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे एडमिट है फिर भाई उस पर लड़की हैं बस 2 लड़कियाँ उस पर एक उसकी फैमिली है मतलब फैमिली के बारे में आप ऑफिस में जाए करते अपन फैमिली के बारे में। अच्छा आप भाई साहब अंतिम संस्कार में थे तो अंतिम संस्कार पर बताया जा रहा है कि हरियाणा हरियाणा 95% हाँ ज़्यादा पावर ज़्यादा पावर ज़्यादा पावर कहते ना तो सब्र करना पड़ेगा सब्र कोई फल नहीं सब्र में ही अपना होगा भाई वैसे तो गया वही बात है यार वो उस जगह गया जहाँ से कोई वापस नहीं आया वो राजू पंजाबी जी चले गए लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो तो भैया आज भी दिलों में है यहाँ पे हमेशा रहेगी वो कभी नहीं खत्म होगा वो तो हमेशा रहेगी हमेशा मेरी बहुत यादें उसके साथ में